और सभी पहली सरकार वो काफी अच्छा था सुधार यहाँ पे हॉस्पिटल में, और जैसे उनको पता मिला वैसे उन्होंने काफी जोरदार प्रहार किया, और ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है टेरिसिट इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दर्शक धीरे धीरे अपना जगह अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अच्छी सर्विस, अच्छा डिफेंस है यहाँ पे, एक बार किसी को कमाने का प्रयास करेंगे तो खाना पूरा लेकर तो यहाँ पे किस तरह है, इस तरह का गलती नहीं कर सकते हैं। कासिम भाई, अब शुरुआत के समय में क्या लग रहा है आपको कि रतनपुर या फिर मानपुर कौन सी टीम ऐसा लग रहा है कि इस सेट को जितने में कामयाब होंगे? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीम जाने माने टीम है और काफी अच्छी टीम है, ये काफी अच्छी ब्लॉक रतनपुर के खिलाड़ी द्वारा सर्विस चेंज 0-0 नहीं 1-0 सॉरी, बहुत अच्छे साथ रहमान के द्वारा खेले गए सर्विस चेंज कराते हुए बहुत अच्छे साथ अब्दुल्ला सलीम के द्वारा जो समझ नहीं पाए गेम को फायदा हुआ रतनपुर को, एक बार फिर से 1-0 चेंज सर्विस और उस पर काफी अच्छी शॉट लेकिन फिर भी बचाने में कामयाब रतनपुर के खिलाड़ी, एक बार फिर से रतनपुर लेकिन आउट खेल बैठे रतनपुर के खिलाड़ी, फायदा रतनपुर को हुआ 2-0 मोहनपुर अभी 2-0 इस तरह मिल रहा है, थोड़ा बड़ा लिखे एक चेंज कर लीजिए तो बेहतर होगा, दिख नहीं रहा है, एक अगर चेंज कर लेंगे तो बेहतर होगा। ये कंटिन्यू सर्विस सलीम तैयार सर्विस लेके अच्छी सप्लाई अजमेर के द्वारा समीर जो कि काफी अच्छे बचाव किया था लेकिन मिराज बचा नहीं पाए गेंद को, और एक बार फिर से सर्विस चेंज 0-2 और ये खराब, एक तो व्यवस्था नहीं है क्या है, एक नहीं है उसमें और इस दूरी टीम लगभग पेश कर रही है, और अभी शुरुआती समय है तो यहाँ पे दूरी टीम के पास मौका है समझने का और नया रणनीति के साथ इस खेल को फिर से आगे बढ़ाने का, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि मोहनपुर किस प्रकार से खेल का नजारा करते हैं। मारवी गेंद थोड़ा सा झाड़ लीजिए, एक बार माजिद मास्टर को थोड़ा सा झाड़ लीजिए, और ये फ्रंट पकड़ा गया मोहम्मद सलीम के द्वारा और मोहनपुर का खाता खोलते हुए 1-2 मोहनपुर 4 एक मिनट मोहनपुर 4 और रतनपुर 2 सहील एक ही होगा, एक ही होगा मेरे सहील सहील तो भाई इधर बोल रहे एक ही होगा कहीं बैग में नहीं वाला एक ही के लिए राजू लेकिन सेट किया मिराज के लिए, मिराज का काफी अच्छा प्रहार और यहाँ पे इसका फायदा मिलता हुआ रतनपुर को, और इसके साथ ही रतनपुर चेंज करने में कामयाब, रतनपुर की ओर से सर्विस लेकर के आएंगे सलीम 2 एंड डबल और गलती कर बैठे सर्विस में आउट मार बैठे और इसका फायदा मिलेगा
मोहनपुर को सेल के रूप में अब अगली सर्विस मोहनपुर की ओर से आज पर लेकर के आएंगे चार दो की सर्विस और प्रिंस ने काफी अच्छा बचाव किया लेकिन यहाँ पे एक गलती कर गए नेट से दोस्ती कर बैठे आज पर जिसका नुकसान होता हुआ चेंज के रूप में भगवानपुर को सलीम पूरा तैयार है दो चार की सर्विस को लेकर के और सलीम ने काफी अच्छे तरीके से सेट किया था इख्तियार का है लेकिन ले यहाँ पे चूके बता हो रहा हूँ और उसका फायदा मिलेगा रतनपुर को रतनपुर के खाते में एक और अंगों का इजाफा और इसके साथ ही अब दोनों टीमों के बीच में अब एक अंगों का फासला हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि रतनपुर क्या एक और अंक लेके फिर से तैयार तीन चार की है सर्विस और काफी समय के बाद हंसराज के हाथों से एक अच्छा स्मैश देखने के लिए मिला यह ब्लॉक करने का प्रयास बिस्कर में सही तरह से ब्लॉक हुआ नहीं ये नीचे गिरी और इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ रतनपुर का स्कोर इक्वल हो चुका है 4-8। होल्ड ऑन होल्ड ऑन ये अंपायर का डिसीजन होगा कौन से बॉल से खिलाना चाहेंगे कमेटी वाला बोले जो कमेटी वाला बोले वो देंगे। चलिए हैं सही कहता है चले खेल में बोले फायदा दो है तो पोस्ट रहा है फिर एक मिनट की सर्विस चार चार की सर्विस बहुत ही अच्छा खेल खेला था बेहतरीन रहमान के द्वारा और मौका मिला था कावर को काफी बेहतरीन तरीके से सेट किया जो सेटर है इसके और उसका फायदा मिलता हुआ मोहनपुर को शरीफ नवाज ऑफिशियल लिखे हुए शरीफ नवाज ऑफिशियल चार चार की सर्विस मोहनपुर की तरफ से और यहाँ पर सलीम के द्वारा काफी चल रहा था। सलीम जो है पिछले कई मैचों से नहीं खेले हैं लेकिन आज इनको एक पुराने जो खिलाड़ी है उसको दर्शाना पड़ेगा कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है क्योंकि उनके ऊपर काफी बड़ा दावा रहेगा। अगर यहाँ से आज रतनपुर को यह मैच जीतना है तो साहिर और सलीम नजमी इन तीन चार खिलाड़ी पे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। चेंज होता हुआ फोर फोर की सर्विस होगी मोहनपुर की तरफ से आएगी रतनपुर के लिए किसी तरह से डिफेंड किया यहाँ पे फिर से मौका है इश्तियाक इश्तियाक से आज पर ने बॉल को पास किया और काफी अच्छा स्मैश और हमने इससे पहले ही बताया कि आज डेब्यू मैच है इसराफिल का और पहला मैच खेल रहे हैं और कुछ अच्छा स्मैश उनके हाथों से देखने मिला है और कहने के ही उनको आज खिलाना रतनपुर के लिए काफी अच्छा रहा है। ये काफी बेहतरीन स्मैश है लेकिन जमा से लेकर इशारा आउट करा दिया गया है तो यहाँ पे फायदा मिल जाएगा रतनपुर को। लाइन्स मैन से गुजारिश है कि थोड़ा सा आपस ध्यान देकर रहे डिस्कस ना करें एक बार बोल दीजिए वहां से हट जाइए आपका काम है एक बार बोल देना बाकी का काम आपको नहीं दिखाना कि बॉल कहाँ गिरा है आपको राइट और आउट का निशाना दिखाना है राइट है तो नीचे आउट है तो ऊपर ये नहीं दिखाना कि बॉल कहाँ गिरा है। किसी भी तरह का डिस्कशन काफी अच्छा कप्तान से उजाड़े से कि हर चीज के लिए डिस्कस रहना है बोला चुके छोड़िए रहना दिए कोई समस्या नहीं बोल रहना दिए
अजमर भाई बॉल फेंक दिए अजमर चलिए फिर से खेलना प्रारंभ होता है 4-5 की सर्विस काफी सुंदर ब्लॉक अतापुर के द्वारा जिसका बेनिफिट मिलता हुआ फायदा मिलता हुआ मोहनपुर को और इसी के साथ मोहनपुर ने इस सेट में बढ़ती कर लिया है 5-5 की सर्विस 5-5 के बराबर पर और हल्के स्कोर पुश किया सलीम ने एक दफा फिर से शॉट उतना बढ़िया नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको फायदा मिली जा रहा था तो चेंज के रूप में और फिर से नंबर 226 सलीम रतनपुर की ओर से सर्विस लेकर के आएंगे मोहनपुर के लिए और काफी अच्छा प्रहार गोफराज के द्वारा गोफराज की द्वारा से और इसका फायदा मिलेगा मोहनपुर को 5-5 के बराबरी कर रहे दो रही टीमें और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि इस सेट में आगे पहुंच जाएंगे क्योंकि दोनों बराबरी पर हैं और काटी का टक्कर का ये मुकाबला खेल सकते हैं शुरुआती समय से ही एक एक अंक दोनों के लिए बढ़ाना काफी भारी पड़ रहा है और इसका नजारा देख रहे हैं एक एक स्मैश जो है काफी तगड़ा होता है और फील्ड भी काफी बेहतरीन कर रहे हैं दोनों टीमें एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है दोनों टीमें अगर इसी प्रकार से खेल दिखाएंगे तो फिर दर्शकों को रोमांच का मजा जरूर देखने के लिए मिलेगा अच्छी सर्विस करेंगे त्याग गोल को सेट करेंगे अतापुर के लिए अतापुर का प्रहार और सफल भी रहे अतापुर और इसी के साथ फिर से चेंज करने में कामयाब अजमर पुनः तैयार है 5-5 की सर्विस को लेकर के साहब ने काफी अच्छा डिफेंस किया अतापुर का एक फिर से ब्लॉक और फिर से फाइनल मिलेगा मोहनपुर को और इसी के साथ एक और अंक का इजाफा 6-5 की सर्विस यानी 6-5 की सर्विस और चलाई करने का प्रयास किया था एक बार फिर से क्या मौका बना पाएंगे गोफराज गोफराज से इश्तियाक और गोफराज आए स्मैश किया काफी तिरछा शॉट जो काफी अच्छा खेलते हैं और इसका भरपूर फायदा मिलता हुआ मोहनपुर की टीम को इसी के साथ एक और अंक का इजाफा कर लिया है मोहनपुर ने और शुरुआती कुछ समय में रतनपुर काफी अच्छा कर रहे थे और लेकिन यहाँ पे दो अंकों से आगे चल रहे हैं मोहनपुर 7-5 दो अंकों का फासला है और इस फासले को लगातार अगर बढ़ाते रहेंगे मोहनपुर तो फिर हो सकता है कि ऐसे जितने में वो कामयाबी हासिल हो बहुत ही अच्छा इसका जगह देख लिया था खाली नजर आ रहा था बहुत बड़ा गैप दिख रहा था अक्षर को और यही पे स्मैश किया जिसका फायदा मिलेगा और धीरे धीरे ये अंक जो करने में कामयाब होते जा रहे हैं और जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फासला इस वक्त दोनों टीमों के बीच में 3 अंकों का है इस लिहाज से कम है लेकिन ये शुरुआती समय है क्योंकि इससे पहले रतनपुर की टीम काफी आगे चल रही थी अब मोहनपुर की टीम 3 अंकों से अब आगे चल रही है फिर से अजमेर के द्वारा काफी अच्छे स्मैश बॉल को बनाने का प्रयास लेकिन यहाँ पे चालाकी कर रहे हैं जैसे ही अभी अभी जस्ट ग्राउंड पे उतरे हैं और काफी चालाकी के साथ फुटबॉल को भटे हुए हैं और उसका फायदा मिल गया 1-9 एक एक अंक जो है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ एक दफा फिर से एक फायदा मिलता हुआ अब जो है फासला काफी बढ़ता जा रहा है अब जो फासला है वो 5 अंकों का हो चुका है एक जगह पे मोहनपुर जो है एक तरफ 10 अंकों पे है और दूसरी ओर रतनपुर 5 अंकों पे अटके हुए हैं और एक अंक और मिल जाएंगे और कुछ ही समय में बहुत बड़ा गैप हासिल कर लिया है ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल करेंगे लेकिन जिस तरह से बैक किए हैं वो काफी तरीके से 11-5 की है सर्विस और एक दफा पीछे फिर से यहाँ पे मुझे बनाने का प्रयास किया था और ये जमाता ली का भी सारे गोल एक दफा फिर से मोहनपुर की ओर और ऐसा लग रहा है कि रतनपुर की नर्वस होती ही नजर आ रही है इसमें तभी आप इस तरह के मैचेस में आप वापसी कर सकते हैं अच्छा इस मैच में खेल दिया है समिति के द्वारा
काफी अच्छा फील्डिंग साहब साहब से सलीम और एक दफा फिर से काफी अच्छा फील्डिंग प्रिंस के द्वारा इसमें चलाएंगे हल्के गेंद को खेला है फिर से साहब साहब से नजमूल और ये काफी तगड़ा प्रहार इस राफेल के द्वारा जो नए खिलाड़ी हैं और इसी के साथ एक बार फिर से क्या कड़ी नहीं करा पाएंगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा काफी समय के बाद चेंज कराने में कामयाब हुए हैं रतनपुर ये अच्छा इस मैच है अच्छा डिफेंस भी किया लेकिन यहाँ पे चूक गए आज पर नहीं चुके और उसका फायदा मिलेगा आज पर हमारी टीम को चेंज के रूप में फासले को लगातार बढ़ाते रहने का कार्य किया है खिलाड़ियों ने जिस वजह से इस वक्त स्कोर है 12-5 नजमी एक बार फिर से सेट करने का प्रयास करेंगे और एक बार फिर से अजमल के द्वारा काफी तगड़ा प्रहार इसी के साथ धीरे धीरे मोहनपुर सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में जीत की ओर अग्रसर है अब सेकेंड लास्ट बॉल की सर्विस आई 13-5 13-5 की सर्विस और यहाँ पे गलती कर गए और इसका फिर से फायदा नहीं जाएगा दर्शकों इसी के साथ आपको अंतिम बॉल की सर्विस आएगी एकदम से पांचवा गियर डाल दिया है मोहनपुर के खिलाड़ियों ने वो देखते ही देखते 5 अंक से 14 अंक पहुंच चुके हैं चला गिरने का प्रयास किया मौका यहाँ पे इसके हाथ में गेंद को धकेला क्या बाहर चली जाएगी जमा जमा करने के द्वारा आउट करार दिया गया तो फायदा मिलेगा रतनपुर की तरफ से 5 अंक की सर्विस और ये मत गलती कर बैठे जिसे कहते हैं वो घूमना पड़ेगा आज पर को और इसी के साथ ही एक और अंक का इजाफा हो चुका है 6-14 की सर्विस इस्तियाक से हल्की हाथ से धकेला वो फैंस ने और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव ऐसा लगा कि रतनपुर कम बैक कर जाएंगे लेकिन यहाँ पे फिर से मौका बना लिया है मोहनपुर के खिलाड़ियों ने अब एक दफा फिर से अंतिम बॉल की सर्विस आएगी इस दफा सर्विस आएगी 14-6 और एक बार दफा फिर से सुंदर ब्लॉक और इसी के साथ सेमीफाइनल थैंक यू बड़ा बेइज्जती हो आप